नमस्कार प्यारे दर्शकों, मैं आपका ज्योतिष मित्र आदित्य द्विवेदी। अगर आप अपनी कुंडली का परामर्श चाहते हैं, अपने प्रश्नों के उत्तर चाहते हैं, समस्याओं का समाधान चाहते हैं, खराब ग्रह दशाओं के उपाय जानना चाहते हैं, कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं या किसी शुभ मुहूर्त के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप हमारे नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। सबकी जन्म कुंडली में धन योग भी होते हैं, दारिद्र योग भी होते हैं। अगर धन योग प्रबल है तो व्यक्ति धनी होता है, होते दोनों योग हैं, लेकिन प्रबल कौन सा है, व्यक्ति का जीवन उसी दिशा में चलता है। तो आज हम आपको धन योग के बहुत अच्छे जो वर्क करते हैं ऐसे सूत्रों की जानकारी देने वाले हैं, स्टेप बाय स्टेप, बारी बारी एक एक सूत्र आपको बताएंगे, समझाएंगे, कुंडली पे मैच करिएगा। और अगर इनमें से जितने अधिक सूत्र लागू होते जाएंगे, धन योग आपके जीवन में उतना ही ज़्यादा प्रबलता से, उतना ही ज़्यादा धन आपको जीवन में मिलेगा। देखिए, धन भाव तो होता है द्वितीय भाव, सिर्फ धन भाव नहीं होता है, इसको अगर हम त्रिकोण में बोलें तो अर्थ त्रिकोण भी होता है। चार त्रिकोण होते हैं, ये धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। और कुंडली में पांचवा घर बड़ा महत्वपूर्ण होता है। पांचवा घर क्या होता है, कांटी निवेशन का। पांचवें से आप क्या देखते हैं, संतान देखते हैं ना, तो संतान होना क्या होता है कि आपके वंश का क्या हो गया, कांटी निवेशन हो गया, वंश आपका जारी रहा, आपकी मृत्यु हो जाएगी, आपके पास संतान है तो उस संतान के रूप में आप जारी हैं, फिर उस संतान के संतान होगी, यानी इस तरीके से आप जारी रहेंगे। पांचवें भाव से क्या देखते हैं, पांचवें भाव से व्यक्ति की बुद्धि देखते हैं, व्यक्ति का विचार विमर्श देखते हैं। पांचवा भाव किसी चीज़ का विश्लेषण है। विश्लेषण किसको बोलते हैं, किसी चीज़ पर कितने अधिक समय तक, यानी कितना लंबा आप कंटिन्यू रख सकते हैं, वो है पांचवा भाव। इसलिए किसी भी भाव से पांचवा क्या होता है, उसका कंटिन्यूएशन होता है। कंटिन्यूएशन का मतलब आप अब यहाँ पर ऐसे समझिएगा कि द्वितीय भाव क्या हो गया, धन भाव, अर्थ भाव हो गया। इसलिए इससे पांचवा, धन भाव से पांचवा भाव यानी लग्न से छठा भाव, फिर यहाँ से पांचवा यानी दसम भाव, ये तीनों अर्थ त्रिकोण हुए। यानी ये जो धन है इसके कंटिन्यूएशन को कौन सी चीज़ दर्शाएगी, यहाँ से पांचवा। इस धन को कंटिन्यू रखेगा छठा भाव, फिर यहाँ से जो आया इसको कंटिन्यू रखेगा यहाँ से पांचवा यानी दसम, इसको फिर कंटिन्यू रखेगा इसे। कुंडली में कोई भी भाव आपके जीवन में कंटिन्यू एक समान परिणाम दे, मान लीजिए आप एक समय में अच्छा पैसा कमा रहे हैं, तो क्या वह अच्छा पैसा कमाना कंटिन्यू रहेगा कि ब्रेक होता रहेगा, यही पता चलेगा उस धन भाव से, पंचम यानी अर्थ त्रिकोणों से पता चलेगा। कोई भी चीज़ है, जैसे यहाँ पे फोर्थ हाउस से हम क्या देखते हैं, घर देखते हैं और गाड़ी देखते हैं। अब इसका सुख आपकी कुंडली में चौथा भाव अच्छा हो गया, तो क्या यह जो घर, गाड़ी, भूमि, ऐश्वर्य जो है, वैभव जो है, वो चौथे घर से देखते हैं, इसका कंटिन्यूएशन जीवन में हमेशा बना रहेगा कि नहीं, इसके लिए क्या है, यहाँ से पांचवा चले जाएंगे, फिर वहाँ से पांचवा चले जाएंगे। इस प्रकार से किसी भी भाव से पांचवा उस भाव के कंटिन्यूएशन को जीवन में दर्शाता है। तो चलिए मैं पहला सूत्र आपको बताता हूँ। जन्म कुंडली में आपको अपने यह देखना होगा कि जो द्वितीय भाव है, धन भाव है, कभी लोगों को अचानक धन प्राप्तियां भी होती हैं, यह सूत्र भी यहीं पर छिपा हुआ है, अचानक से धन संपत्ति का मिलना भी। जन्म कुंडली का द्वितीय भाव और चतुर्थ भाव अगर संबंध बनाते हो, द्वितीय भाव का स्वामी और चतुर्थ भाव का स्वामी दोनों एक साथ बैठे हों, दोनों एक दूसरे की राशि में बैठे हों, नक्षत्र परिवर्तन कर रहे हों, एक दूसरे पर दृष्टि डाल रहे हों, अगर द्वितीय भाव और चतुर्थ भाव इन दोनों का संबंध स्थापित हुआ है, तो जीवन में आपको यह एक अच्छा धन योग बनाता है। और कई मामलों में देखा गया है कि यह आपको अचानक से भी धन लाभ दे सकता है। आज के समय में लोग ऑनलाइन गेम भी खेल रहे हैं, या कभी अनएक्सपेक्टेड रूप से शेयर मार्केट से लाभ पा गए, लॉटरी हो गई, सट्टा हो गया,
तो ये यह योग इन मामले में भी काम कर जाता है। बहुत सारे लोगों को ऑनलाइन गेमिंग वगैरह से भी इस योग से लाभ होता हुआ देखा गया। अगर द्वितीय सौर चतुर्थेश का संबंध है तो अच्छा है। अब एक चीज़ हमेशा जानिए कि ग्रहों का संबंध होना यह भी उसमें कितना बल है ये भी आपको देखना होता है। अब मान लीजिए द्वितीय सौर चतुर्थेश एक साथ चतुर्थ में बैठ गए, द्वितीय में बैठ गए, लगन में, दशम में, नवम में, तो ये मजबूत संबंध है। वहीं यह संबंध छठे में, आठवें में, बारहवें में है तो उतना मजबूती वाला योग नहीं है। इसलिए योग आपको देगा लेकिन उसमें जितना बल होगा उसी हिसाब का आपको मिलना है। अगर योग में कोई एक ग्रह अस्त है तो भी योग कमज़ोर हो जाता है। तो द्वितीय भाव और चतुर्थ भाव का संबंध धन योग बनाता है। इसी प्रकार से चतुर्थ भाव जो है इसका स्वामी और इलेवंथ हाउस जो है इसके स्वामी का संबंध कुंडली में कहीं अच्छे रूप से बनेगा तो यह भी धन योग की कैटेगरी में आता है, आपको धन अच्छा मिल जाएगा। अब यहाँ पर द्वितीय का संबंध हमने चतुर्थ से ले लिया, द्वितीय का एकादश से ले लिया। अगला संबंध है कि अगर अलग अलग हमने संबंधों को देखा द्वितीय और एकादश का, मान लीजिए द्वितीय भाव का स्वामी और एकादश भाव का स्वामी जो ग्रह है दोनों एक साथ चौथे भाव के स्वामी से संबंध बना दें तो यह और भी मजबूत हो जाएगा, क्योंकि इसके पहले अलग अलग था, द्वितीय चतुर्थेश था तो धन योग हुआ, एकादशेश चतुर्थेश हुआ धन योग हुआ, अब तो द्वितीयेश और एकादशेश दोनों संबंध में आ गए हैं तब और भी मजबूत धन योग, डबल पावर वाला धन योग यहाँ पर बन गया है। यह आपको काफ़ी धन सुख समृद्धि प्रदान कर सकता है। इसके अलावा अगर द्वितीयेश और एकादशेश का अच्छा संबंध बन जाए, द्वितीय भाव आप जानते हैं धन का है और एकादश भाव किसका है, लाभ का है, द्वितीयेश और एकादशेश का संबंध होना भी धन योग होता है। अब मान लीजिए द्वितीय भाव और एकादश भाव के स्वामी एक साथ हों, एक दूसरे को देख रहे हों, राशि परिवर्तन में हो, नक्षत्र परिवर्तन में हो तो धन योग हो गया। लेकिन यह धन योग कोई भी धन योग, चाहे अभी जो पहले बताया हूँ वह धन योग हो, चाहे यह धन योग हो, कोई भी धन योग तब और अधिक प्रबल हो जाएगा। तब महाधनी, करोड़पति बोल लीजिए, चाहे अरबपति योग बोल लीजिए, बन जाता है जब उसमें कहीं ना कहीं से गुरु शामिल हो जाए। द्वितीयेश और चतुर्थेश का संबंध बन गया, मान लेते हैं यहाँ पर मिथुन लगन की कुंडली लिए, चार पाँच छः, द्वितीयेश चंद्रमा और यहाँ पर चतुर्थेश बुध है, चंद्रमा और बुध एक साथ आ गए, अब यहाँ पर धन योग बन गया। अब इस धन योग पे गुरु की दृष्टि भी आ गई, गुरु पांचवी दृष्टि से देख दिया तो ये जो धन योग बना ये सोना था और जब गुरु देख दिया तो सोने पे सुहागा भी हो गया। यानी किसी भी धन योग में अगर गुरु वहाँ पर दृष्टि डाल देगा या गुरु बैठा भी होगा साथ में तो भी असर आएगा, बशर्ते ग्रह युद्ध नहीं होना चाहिए, यानी ग्रहों की डिग्रियां सेम नहीं होनी चाहिए। दृष्टि से गुरु ज़्यादा मदद करता है। गुरु कब मदद करेगा, ये जो धनेश है, लाभेश है या जो धन योग बना हुआ है जिस भाव में, उस भाव से पांचवें, नौवें या उसी भाव में, उसी भाव को हम क्या मान सकते हैं, लग्न, यानी उस भाव से त्रिकोण में गुरु का होना धन योग को काफी मजबूत कर देता है। अब अगर ये योग नहीं बन रहा है कि मतलब ग्रह एक साथ हो, द्वितीयेश और एकादशेश चतुर्थेश के साथ हो, तो एक योग दूसरे प्रकार से भी काम कर जाएगा, साधारण योग है जो लगभग सभी कुंडलियों में मिल जाएगा, जो द्वितीय भाव है उसके स्वामी पर और एकादश भाव के स्वामी पर गुरु का प्रभाव होना भी धन खूब देता है। द्वितीयेश पर गुरु का प्रभाव आ जाए, जो द्वितीय भाव का स्वामी है, जो एकादश भाव का स्वामी है उस पर गुरु का प्रभाव आ जाए, यानी गुरु की दृष्टि आ जाए, दोनों में से किसी एक पर ही आएगा तो भी धन योग होगा, दोनों पे आ गया तो और प्रबल धन योग होगा। साथ ही साथ अगर द्वितीयेश और एकादशेश के ऊपर गुरु का प्रभाव होने के बाद भी द्वितीय और एकादश भाव पर भी हो जाए, यानी भावेश पर भी हो और भाव पर भी गुरु का प्रभाव आ जाए, तो पूछना ही क्या है, आप करोड़पति होंगे ही होंगे। अगला सूत्र यह है, जो धन भाव हमारा है, सिर्फ यहाँ पर यह सूत्र जो है धन भाव के लिए नहीं है,
धन भाव यानी अर्थ त्रिकोण, तीनों अर्थ त्रिकोण के लिए यह बात लागू हो रही है। अगर तीनों अर्थ त्रिकोण में हो तो पूछना ही क्या, निश्चित रूप से करोड़पति, बहुत बड़े करोड़पति, दो पे लागू हुआ तो छोटे वाले करोड़पति, उससे कम पे लागू हुआ तो भी करोड़पति, थोड़ा कम, लेकिन कुंडली करोड़पति हो जाती है। जैसे ये अर्थ त्रिकोण, यह अर्थ त्रिकोण और यह अर्थ त्रिकोण, ये तीनों कौन से त्रिकोण हैं, अर्थ त्रिकोण हैं। आपको यह देखना है कि आपके जो ये तीन अर्थ त्रिकोण हैं, इन तीन अर्थ त्रिकोणों में से किसी में, एक में विशेष रूप से तो ये ज़्यादा काम करेगा क्योंकि ये मूल है। अगर आपके धन भाव में या किसी अर्थ त्रिकोण में कोई शुभ ग्रह बैठा हो, शुभ ग्रह में बृहस्पति आ जाएगा, शुक्र आ जाएगा, चंद्रमा आ जाएगा और बुध आ जाएगा, शुभ ग्रह बैठा हो, अगर शुभ ग्रह बैठा ना हो तो कम से कम शुभ कर्तरी योग हो। शुभ कर्तरी किसको बोलेंगे, जब लगन में और तृतीय भाव में कोई शुभ ग्रह होगा तो यह शुभ कर्तरी में होगा। इसी प्रकार से पंचम सप्तम में शुभ ग्रह होगा तो यह शुभ कर्तरी में होगा, नवम और एकादश में कोई शुभ ग्रह होगा तो यह शुभ कर्तरी में होगा। या तो इस अर्थ त्रिकोण वाले भावों में शुभ ग्रह बैठा हो या तो शुभ कर्तरी हो, आगे पीछे शुभ ग्रह बैठा हो और भाव का स्वामी उच्च का हो, भाव का स्वामी उच्च का हो या भाव का स्वामी स्वाग्रही हो तो भी करोड़पति योग होगा। अब यहां पर एक उदाहरण कुंडली ले लेते हैं, कोई लगन बना करके इस सूत्र को आपको समझाते हैं। यह सूत्र इस पे अप्लाई करते हैं। यह हो गया धन भाव, मान लेते हैं चंद्रमा यहाँ पर बैठ गया तो ये शुभ ग्रह यहाँ पर बैठ गया। अब बृहस्पति क्या होना चाहिए, उच्च का होना चाहिए, गुरु यहाँ पर आ गया, यानी धन भाव पे शुभ ग्रह का प्रभाव हो, चाहे वह शुभ ग्रह वहाँ बैठा हो, चाहे शुभ कर्तरी बना रहा हो और भाव का स्वामी उच्च का हो। इसी प्रकार से आप तीनों त्रिकोणों के लिए, तीनों अर्थ त्रिकोण के लिए देखिए, क्योंकि ये जो त्रिकोण होता है धर्म अर्थ का मोक्ष का त्रिकोण, यह कंटिन्यूएशन को दर्शाता है। इसमें आपको धन योग मिल गया, ये भी आपका मजबूत हो गया, ये भी मजबूत हो गया, तो जब जीवन में एक बार आप कमाना शुरू करेंगे, ऊंचाई पे जाना शुरू करेंगे तो फिर डाउनफॉल पैसे के रूप में नहीं आएगा, परेशानी नहीं आएगी, क्योंकि इस भाव से पांचवा ये कंटिन्यूटी को दर्शाएगा, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। इसलिए यह सूत्र आप तीनों त्रिकोण में अप्लाई कर सकते हैं। अब इसके लिए देखें तो यहाँ पर मंगल की राशि है, अब यहाँ पर कोई शुभ ग्रह बैठा हो चाहे यह भाव शुभ कर्तरी में हो, मान लेते हैं बुध इधर है, चंद्रमा इधर है, ये भाव शुभ कर्तरी में हो गया, इस भाव का स्वामी कौन है, मंगल, यह मंगल उच्च का हो गया या यह मंगल स्वाग्रही ही हो गया तो भी यहाँ पे करोड़पति योग लागू हो जाएगा। भाव पे शुभ प्रभाव, भाव का स्वामी उच्च का हो तो करोड़पति योग, यह आप तीनों त्रिकोणों पर, अर्थ त्रिकोण पर अप्लाई कर सकते हैं। अगर यह चीज़ लागू नहीं है तो धन भाव में कोई शुभ ग्रह हो, लाभ भाव में कोई शुभ ग्रह हो, या धन भाव और लाभ भाव शुभ कर्तरी में हो और धनेश लाभेश कुंडली में अच्छी स्थिति में हो, उच्च के हो, स्वाग्रही हो, 6, 8, 12 में ना हो तो भी यह योग लागू हो जाता है। अगर किसी कुंडली में कम से कम तीन राजयोग बने हुए हो, शुद्ध राजयोग बने हुए हो, भंग ना हुआ हो तो भी व्यक्ति करोड़पति हो सकता है। अब राजयोग कई प्रकार के होते हैं, केंद्र त्रिकोण का राजयोग है, पंचमहापुरुष राजयोग है, नीच भंग राजयोग है, राहु केतु के द्वारा राजयोग है। शुद्ध रूप से कोई तीन राजयोग कुंडली में बने हो तो भी व्यक्ति करोड़पति होता है। देखिए यहाँ पर करोड़पति होने का अर्थ भी कुछ अलग भी हो सकता है। कोई एक व्यक्ति जो कहीं महंगे स्थान पर रह करके महीने का 1 करोड़ का कारोबार कर रहा हो, वही व्यक्ति किसी सस्ते स्थान पर रह करके जहाँ पर उसकी लागत कम आती हो वह 50 लाख का ही काम कर रहा होगा, तो दोनों बराबर होते हैं। जैसे समय सबके लिए बराबर नहीं होता है, वैसे यहाँ पर राजयोग और धन का अर्थ भी बराबर नहीं होता है। जैसे हमारे पृथ्वी पर समय अलग प्रकार से चलता है, मंगल पे दिन रात और अलग प्रकार से घटित होती है, और हम गैलेक्सी के बाहर जाएँ, गैलेक्सी में और ट्रेवल करें जो टाइम को जानते हैं,
वो समझते हैं कि समय सबके साथ एक समान व्यवहार नहीं करता है। गति सब प्रकाश की गति से ट्रेवल करिए तो समय आपके लिए स्थिर सा हो जाएगा। उसी प्रकार से ये जो धन योग है, करोड़पति शब्द है, यह सबके लिए अलग अलग मायने रख सकता है। करोड़पति एक प्रतीकात्मक शब्द बोला जाता है कि हाँ, आपके जीवन में फाइनेंशियल फ्रीडम होगी। अगले सूत्र पर आ जाते हैं जहाँ आपको नौमांस कुंडली से देखना होगा। क्या देखना होगा कि लगन कुंडली ये आपकी है, लगन कुंडली को नौमांस से टैली कराना होगा। क्या टैली कराना है? आपको यह देखना होगा कि आपके धन भाव में कौन सी राशि है। लगन कुंडली के जन्म कुंडली, लग्न कुंडली के धन भाव में कौन सी राशि है और लाभ भाव में कौन सी राशि है। अगर कुंभ लगन की कुंडली मान लेते हैं तो यहाँ पर 9 पड़ेगा और यहाँ पर क्या पड़ेगा, 12 पड़ेगा। तो धन भाव में कौन सी राशि है उसे नोट कर लीजिए और लाभ भाव में कौन सी राशि है उसे नोट कर लीजिए। अब आपको नौमांस कुंडली देखना है। नौमांस कुंडली में आपके ज़्यादातर ग्रह धन भाव, लग्न कुंडली के धन और लाभ भाव की राशियों में होंगे तो भी धन योग बनेगा। शर्त यह है कि वह धनेश और लाभेश नौमांस में अच्छे होने चाहिए। यहाँ पर 12 बना, यहाँ पर 9 बना। नौमांस कुंडली में मीन राशि और धनु राशि में 3 ग्रह मिल गए, 4 मिल गए, कम से कम 3 तो मिले ही। 9 ग्रह है, 9 ग्रह को अगर आधा डिवाइड करें तो 4 कम से कम 50% पे आता। तो 3 ग्रह मिले, 4 मिले, 5 मिले, उतना ही ज़्यादा अच्छा योग होता चला जाएगा। यह एक अच्छा धन योग माना जाएगा। अगला सूत्र, जन्म कुंडली में आपके जो अर्थ त्रिकोण हैं, 3 अर्थ त्रिकोण, द्वितीय, छठा और दशम, ये जो अर्थ त्रिकोण हैं, अर्थ त्रिकोण के कोई ना कोई स्वामी होंगे, कोई ना कोई राशि होगी, कोई ना कोई ग्रह इनका स्वामी होगा। अब जो द्वितीय भाव का स्वामी है, जो छठे भाव का स्वामी है, जो दशम भाव का स्वामी है, ये ग्रह नौमांस कुंडली में उस राशि में बैठे हों, ध्यान से समझिए, द्वितीयेश, खष्टेश और दशमेश नौमांस कुंडली में उस राशि में बैठे हों जो राशि लगन कुंडली के लग्न में हो, द्वितीय में हो, चतुर्थ में हो, पंचम में हो, खष्टम में हो, सप्तम में हो, नवम में, दशम में और एकादश में हो। यानी अर्थ त्रिकोण के ग्रह नौमांस कुंडली में तृतीय भाव की राशि, अष्टम भाव की राशि और द्वादश भाव की राशि में ना बैठे हो तो बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। यानी इसी का अगर आप अपोजिट करना चाहें, अगर आपके नौमांस कुंडली में ज़्यादातर ग्रह अष्टम भाव की राशि में, द्वादश भाव की राशि में और तृतीय भाव की राशि में बैठे होते हैं तो पैसा कमाने में काफ़ी परेशानियां आती हैं। अब यहाँ पर अभी आपको बताया गया कि पंचम जो होता है वह कंटिन्यूएशन का होता है। द्वितीय भाव अर्थ त्रिकोण है तो यहाँ से पंचम ये हो गया, यहाँ से पंचम ये हो गया। अगर ये तीनों अर्थ त्रिकोण मजबूत हैं तो कंटिन्यूएशन धन का अच्छा रहेगा। इसके ऊपर अगर जाना चाहें तो आपको यह देखना होगा, अभी तो भाव देखे हैं, भावेश को देख लीजिए। धन भाव का स्वामी कुंडली में यानी धनेश जहाँ बैठा हो, धनेश जहाँ बैठा हो उससे पांचवा घर मजबूत हो, छठे का स्वामी जहाँ बैठा हो उससे पांचवा घर मजबूत हो, दशमेश जहाँ बैठा हुआ है उससे पांचवा घर मजबूत हो तो महाधन योग कुंडली में होता है। अब यहाँ पर एक साधारण सी चीज़ बता देता हूँ कि अगर आपके धन भाव, धन द्वितीय, छठा और दशम, ये जो तीनों अर्थ त्रिकोण है, अगर तीन के तीनों पर शुभ ग्रह का कहीं ना कहीं से प्रभाव हो, शुभ ग्रह देख रहा हो या बैठा हो, क्रूर ग्रह हो तो भी मतलब नहीं है, लेकिन शुभ ग्रह होना चाहिए या शुभ ग्रह की दृष्टि हो। अर्थ त्रिकोण की व्याख्या मैं समझा रहा हूँ, ऐसे आप किसी भी भाव के लिए समझ सकते हैं।
अर्थ त्रिकोण ये है ये है ये है, ये शुरू करेगा जीवन में, फिर ये दोनों उसको कंटिन्यू रखेंगे। तो अगर आपका जो तीनों अर्थ त्रिकोण है इस पे कहीं ना कहीं से तीन के तीनों पर शुभ ग्रह का प्रभाव हो तो आप महाधनी होंगे। लेकिन अगर ये जो अर्थ त्रिकोण है द्वितीय भाव उसका स्वामी कौन होता है, धनेश। छठा जो है इसके स्वामी को क्या बोलते हैं, खष्टेश। और जो तीसरा अर्थ त्रिकोण है दशम भाव, इसके स्वामी को क्या बोलेंगे, दशमेश। इन तीनों भावों में शुभ ग्रह के प्रभाव के अलावा जो भावेश है उससे पंचम भाव पर भी शुभ ग्रह का प्रभाव हो, या बलि ग्रह बैठा हो पांचवें में उनसे, कोई ग्रह स्वराशि का हो, उच्च का हो, या शुभ ग्रह की दृष्टि होगी, दोनों प्रकार से मैच होगा, तो आपको जीवन में कभी फाइनेंशियली प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं आएंगी। आप कई जन्मों से भाग्य से लेकर के धन आ रहे हैं, कभी कुछ भी धन से जुड़ी हुई फाइनेंशियल क्राइसिस नहीं झेलनी पड़ेगी जब एक बार राजयोग जीवन में एक्टिव होगा। ऐसे आप किसी भी भाव से, ये कौन सा होता है, धर्म त्रिकोण। देखिए कुछ लोग धार्मिक होते हैं, थोड़े दिन बहुत धार्मिक रहेंगे फिर ब्रेक हो जाता उनका, बहुत धार्मिक बनेंगे, बहुत भक्त टाइप के बनेंगे, माला कंठी लेके बैठेंगे, फिर प्रवचन करेंगे, थोड़े दिन बाद छोड़ देंगे। तो क्या है, ऐसा क्यों होता है, कुछ लोग कभी बहुत ज़्यादा धन कमा रहे फिर ब्रेक आ गया, कुछ लोग बहुत ज़्यादा शारीरिक मेहनत और जूझने की क्षमता से युक्त हैं, पता चला बाद में सब भूल गए, आलसी हो गए। कैसे होता है ये, किसी भी भाव से ये धर्म त्रिकोण होता है। अब इससे पंचम ये हो जाएगा, इससे पंचम ये हो जाएगा। कोई व्यक्ति धार्मिक है, हमेशा धार्मिक बना रहेगा, उसकी धार्मिकता में कंटिन्यूएशन रहेगी कि नहीं, कैसे पता चलेगा। अगर ये धर्म त्रिकोण है तो इससे पांचवा ये मजबूत हो, इससे पांचवा ये मजबूत हो, तो वो कंटिन्यू रहेगी चीज़। ऐसे आप अपना कैरियर देखते हैं तो देखिए, अगर अर्थ त्रिकोण मजबूत होता, आप जानते हैं कर्म भाव कौन सा भाव है, दशम भाव कर्म भाव है, छठा भाव नौकरी के लिए भी है। अब यहाँ पे कनेक्शन जुड़ जाएगा, धन तभी आता है जब आप कर्म करते हैं, कर्मशील रहना पड़ेगा, इसीलिए ये कर्म भाव को ही अर्थ भाव बोला जाता भैया। यहाँ से नौकरी भी देखते हैं, छठे से ये कर्म हुआ, ये नौकरी हुई, और दो के दोनों ही अर्थ त्रिकोण में आते हैं, यानी कर्म से, काम करने से ही नौकरी आएगी। यहाँ पे यह चीज़ दिखाई दे रही है। उम्मीद है विषय वस्तु आपको समझ में आया होगा, अप्लाई करिए और सीखिए।